बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए गूगल ने एक ऐप शुरू की है। ये ऐप बच्चों को बड़ी सरलता से पढ़ना सिखाती है, अक्षर जोड़ जोड़ कर। अगर बच्चा ठीक से पढ़ ना पा रहा हो तो ये ऐप बच्चे की पढ़ने में मदद करेगी। इस ऐप के विषय में मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ये ऐप बहुत अच्छी लगी। इस ऐप से बच्चे कैसे पढ़ना सीख सकते हैं, ये ऐप बच्चों की पढ़ने में कैसे मदद करेगी और बच्चे इस ऐप का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यही सब बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। इस ऐप को प्रयोग करके आप अपने और अपने बच्चे के कमेंट नीचे ज़रूर बताएं दें। नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस सेक्शन में आपका स्वागत है और बात हो रही है गूगल की एक ऐप की जो जिसका नाम है बोलो, BOLO बोलो, जो बच्चों को पढ़ना सीखने में सहायता करेगी। ये ऐप काम कैसे करती है डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इस ऐप के बाद इंस्टॉल करने के बाद इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या करना है ये ऐप आपको खुद बताती है, खुद ही देख लीजिए। अब हम इस ऐप को ओपन करेंगे। हेलो, मेरा नाम दिया है, मुझे कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। मैं इसे अब से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाऊंगी यह जानने के लिए इस नीले बटन को दबाएं। मुझ पर टैप करिए तो मैं आपको ऐप के बारे में ये लाइन पढ़कर सुनाऊंगी। जब बच्चे रोज पढ़े तब सब आगे बढ़े, देखा कितना आसान है, क्यों ना अब आप पढ़कर मुझे सुनाएं। मुझे पढ़कर सुनाने के लिए ऐप को सुनने की परमिशन दें। अब आप पढ़कर सुनाएं। जब बच्चे रोज पढ़ें तब सब आगे बढ़ें, देखा जो शब्द बच्चे सही पढ़ेंगे वो इसी तरह हरे हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश बेहतर पढ़वाने को तैयार हैं तो ये नीला बटन दबाइए। यहाँ माता पिता के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, अगर आप इनसे सहमत हैं तो ये नीला बटन दबाएं। आप इन शर्तों को पढ़ सकते हैं, पूरा शर्तों को पढ़ने के बाद आपको सही लगे तो आप सहमत हो सकते हैं। आज की पढ़ाई, चलो आज यह कहानियाँ पढ़ते हैं, एक कहानी चुनो। अब इनमें से एक कहानी मुझे चुननी है, मैं पहली कहानी चुन लेता हूँ, मेरे दोस्त। चलो पढ़ते हैं, मेरे दोस्त। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वाह, तुमने तो बहुत तेज पढ़ा। जोर से पढ़ो, कुछ दोस्त बड़े हैं। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा। और कुछ दोस्त छोटे हैं। बेहतरीन, छोटे। इस तरीके से ये ऐप आपकी पूरी सहायता करती है। जो आप शब्द नहीं पढ़ पाए हैं वो आपको बताएगी कि क्या शब्द है, उसे कैसे बोलना है। यदि आप कोई शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं उस पर आप टैप करें मेरे, तो ये बताएगी आपको मेरे कई दोस्त बूढ़े भी हैं। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा। इस तरीके से आप ये सारा पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद शाबाश, ये इतने सारे सितारे मिले, इन्हें रखने के लिए अपनी फोटो लो। आपने स्टार्स कुछ रिवॉर्ड कुछ जीता है, वो आप रखने के लिए आप अपनी फोटो खींच सकते हैं। मैं फिलहाल अभी कोई फोटो नहीं खींच रहा हूँ। तो आप इस तरीके से स्टोरीज इसमें पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्टोरीज हैं इसमें। यहाँ पर एक खेल या एक कहानी चुनो या एक नई कहानी जोड़ो। यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसमें आप कोई पहेली या कहानी चुन सकते हैं, आप उस कहानी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनाम, यहाँ तुम्हारे सारे इनाम हैं और पढ़ के और इनाम कमाओ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये ऐप आपको खुद बताएगी। तो इस तरीके से ऐप ये बोलो ऐप काफ़ी यूजफुल है छोटे बच्चों के लिए। बाय द वे, ये ऐप उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो माता पिता किसी वजह से अपने बच्चे को पास बिठाकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों को ये ऐप पढ़ना सिखाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अभी तक कितनी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की 40 कहानियाँ हैं इसमें और हिंदी की 50 है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएंगी। आप प्लीज़ इस ऐप को प्रयोग करके नीचे कमेंट में बताएँ कि आपको और आपके बच्चे को ये ऐप कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।
शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।